वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम IPL ऑक्शन के डे वन में लंच के बाद सेल हुए प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लंच के बाद सबसे पहले प्लेयर असरंगा 10.75 करोड़ में RCB की तरफ से सेल हुए। उसके बाद सुंदर 8.75 करोड़ में हैदराबाद की तरफ से, कृणाल पंड्या 8.25 करोड़ में लखनऊ की तरफ से, मिचेल मार्श 6.5 करोड़ में दिल्ली की तरफ से सेल हुए। वहीं कैप्टन विकेट कीपर की बात की जाए तो कैप्टन विकेट कीपर में CSK ने अबाती रायडू को 6.75 करोड़ में, मुंबई ने ईशान किशन को सबसे ज्यादा 15.25 करोड़ में, पंजाब ने जॉनी बेस्टो को 6.75 करोड़ में, RCB ने दिनेश कार्तिक को 5.5 करोड़ में और हैदराबाद ने निकोलस पुरन को 10.75 करोड़ में खरीदा। वहीं कैप्टन पेसर में टी नटराजन हैदराबाद से 4 करोड़ में, दीपक चहर चेन्नई से 14 करोड़ में, प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान से 10 करोड़ में, लोकी फर्गूसन गुजरात से 10 करोड़ में, जोश एजलवुड RCB से 7.75 करोड़ में, मार्कोड लखनऊ से 7.5 करोड़ में, भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद से 7.2 करोड़ में, शार्दुल ठाकुर 10.75 करोड़ में, मुस्तफिजुर रहमान 2 करोड़ में दिल्ली की तरफ से IPL 2022 खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं सिर्फ 3 कैप्ट स्पिनर सेल हुए। कुलदीप यादव को दिल्ली ने 2 करोड़ में, राहुल चहर को पंजाब ने 5.25 करोड़ में, युजवेंद्र चहल को राजस्थान रॉयल ने 6.5 करोड़ में लिया और आवेश खान ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ट प्लेयर बन गए, जहां लखनऊ ने आवेश खान को 10 करोड़ में लिया। इसके अलावा राहुल तेवतिया गुजरात ने, शाहरुख खान को पंजाब ने 9 करोड़ में लिया, राहुल त्रिपाठी 8.5 करोड़ में हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोलकाता ने शिवम मावी को 7.5 करोड़ में लिया और कार्तिक त्यागी को हैदराबाद ने 4 करोड़ में परचेज किया। इसके अलावा अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।